राजगढ़ जिले में बादल पर पांव योजना के तहत सरकारी स्कूलों में गुणवत्ता युक्त शिक्षा पर जोर देने के लिए अफसर स्कूलों में बच्चों के बीच पहुंच रहे हैं। इस दौरान बच्चों को विषय आधारित पाठ्यक्रम के साथ व्यवहारिक ज्ञान भी दिया जा रहा है। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारियों को लेकर भी अफसर बच्चों का मार्गदर्शन कर रहे हैं। इसी कड़ी में करेड़ी के शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में डिप्टी कलेक्टर प्रिया वर्मा ने स्कूल पहुंचकर बच्चों को जलवायु विषय पर किताबी शिक्षा दी। प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता पर भी चर्चा हुई। इस दौरान छात्रा कविता ने कहा, मैं देश सेवा के लिए सेना में जाना चाहती हूँ। वहीं निकिता ने कलेक्टर बनने की इच्छा जाहिर की। डिप्टी कलेक्टर वर्मा ने बच्चों को उनकी पसंद के क्षेत्र में जाने के लिए वांछित तैयारियों के बारे में विस्तार से जानकारी दी। अन्य विद्यार्थियों में किसी ने पटवारी, डॉक्टर, इंजीनियर बनने की इच्छा जाहिर की तो किसी ने आईएएस बनने के लिए विषय एवं तैयारियों के बारे में सवाल पूछे। वर्मा ने सभी को संतुष्टिपूर्वक जवाब दिए। बच्चों की यह जिज्ञासाएं डिप्टी कलेक्टर द्वारा बच्चों से उनके भविष्य के सपनों के बारे में पूछे गए सवालों के बाद सामने आई। राजगढ़ से ओम प्रकाश गुप्ता की रिपोर्ट। चाहते आप कैसा, क्या लगा आपको? अच्छा लगा। मैंने 9th क्लास के बच्चों को बुलाया और मैंने उनसे पूछा कि वो आगे ज़िंदगी में क्या बनना चाहती हैं। उसमें से बहुत सारे बच्चों ने कहा कि डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, किसी ने कहा आर्मी में जाना है, किसी ने कहा IPS बनना है, और कुछ बच्चों को नहीं पता था तो मैंने उनसे कहा कि वो भी सोचें आगे ज़िंदगी में क्या करना है। और मैंने उनको ज्योग्राफी का एक टॉपिक जलवायु पढ़ाया, और तापमान कैसे होता है, कहाँ ज़्यादा होता है, कहाँ कम होता है, हवाएं कैसे चलती हैं, इस बारे में उन्हें बताया। जी, उनको व्यवस्थाओं को लेकर कुछ शिकायत थी बच्चों ने? व्यवस्था के बारे में उन्होंने बताया कि टॉयलेट की कुछ समस्या है उनको, तो मैंने शौचालय का निरीक्षण भी किया और प्रिंसिपल साहब ने आश्वासन दिया कि वो आज शाम तक ही वहाँ की व्यवस्था सुधरवा देंगे। और पंखे नहीं थे क्लास में तो पंखे भी आज शाम तक लगवाने के लिए कहा है। तो बच्चों के लिए प्रेरणा देते रहने अभी तो बच्चे, मैंने जो क्लास ली 9th था तो अभी तो मैंने उनसे यही कहा कि अभी सिर्फ पढ़ाई पर ध्यान दें। और शर्मा बहुत रही थी लड़कियां, डर रही थी बात करने में, तो उनसे मैंने कहा कि डरे ना, आगे अगर पूरी क्लास लड़कों से भी भरी हो तो आगे खड़े होकर बात करने का इतना आत्मविश्वास होना चाहिए। तो यही प्रेरणा दी कि आत्मविश्वास से बढ़े, आगे ज़िंदगी बहुत बड़ी है। राजगढ़ जिले के